अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बिलाल शाह और आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 15। तो आज के लेसन में हम देखेंगे इंसर्ट एंसिबल मेन्यू को कि इनमें किस तरह काम किया जाता है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे पर्पस ऑफ पेज, पेज का क्या पर्पस है, पेज किस तरह लेते हैं और पेज को किस तरह डिलीट करते हैं, फंक्शन ऑफ पेज नंबर, पेज नंबर का क्या फंक्शन है, हाउ टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, पर्पस ऑफ पिक्चर, पिक्चर का क्या फंक्शन है उसे किस तरह इंसर्ट किया जाता है, हाउ टू इंसर्ट टेबल, टेबल को किस तरह इंसर्ट करते हैं और फंक्शन ऑफ स्प्लिट टेबल, टेबल को किस तरह स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, फंक्शन ऑफ इंडेक्स एंट्री, इंडेक्स एंट्री कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉक, ऑब्जेक्ट लॉक का क्या फंक्शन है, फुल डिस्कस अबाउट सिंबल मेन्यू। और सिंबल मेन्यू को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूँगा। इन पेज को ओपन किया मैंने, न्यू पे क्लिक करूँगा। ओके, तो आज हम इंसर्ट मेन्यू और सिंबल मेन्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पेज। तो पेज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपके पास पेज है वन ऑफ वन, एक ही पेज है, अगर आप ज़्यादा पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। पेज पे जाएंगे, जैसे पेज नंबर बढ़ा दें या डायरेक्टली इसके ऊपर लिख लें 8। तो ये देखें हमारे पास 8 पेजेस क्या हो गए, इंसर्ट हो गए एक के बाद, टोटली 9 हो गए। तो ये देखें हमारे पास पेजेस क्या हो गए, इंसर्ट। उसके बाद इंसर्ट में पेज नंबर, कि आप अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर देना चाहते हैं तो वो कैसे, किस तरह देंगे और कैसे, तो उसके लिए आपको मास्टर पेज एक्टिवेट करना पड़ेगा। मास्टर पेज हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जिससे आप जो भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं हेडर के अंदर, तो वो हर पेज के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसके लिए पहले मास्टर को एक्टिवेट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये छोटा सा एम का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम इधर से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये वाला नहीं, टाइटल हेडिंग के लिए जो यूज़ होता है वाला टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर वाला काम नहीं करेगा। इधर से लेके इधर बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके अंदर जैसे लिखते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, अब पेज नंबर देखें एक्टिवेट हो गए, तो पेज नंबर देंगे, तो देखें इसने पेज नंबर का साइन दे दिया, इसे सेंटर लाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और जो ये है इसके बॉक्स का साइज बिल्कुल इसे सेंटर में कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, उसी के साथ अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि इधर लिखना चाहते हैं तो ये आपने एक लिखा है इन पेज उर्दू में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास आ गया इन पेज उर्दू में। अब इसे हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि फिक्स आ जाए ऊपर वाले के साथ 24। उसके बाद इसके बी बॉक्स के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अब हम मास्टर पेज पे से क्लिक हटा देते हैं, तो ये भी हमारे पास, अब देखें ये एडिट नहीं हो रहा। अगर आपने एडिट करना है तो पहले मास्टर पे जाके क्लिक करेंगे एम पे, फिर ये एक्टिवेट, फिर हम इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे क्लिक हटाएंगे तो एडिटिंग हम नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ पेजेस पे जाके चेक करते हैं, देखें हर पेज पे पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, और देखें वही टैक्स आपने उधर लिखा हुआ, इस तरह आप इस जगह पे बॉस मतलब अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर है हमारे पास डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम बेसिकली जो हमारे पास होती है इसके अंदर काम नहीं करती, अगर आप लेते हुए देखें एन अनसपोर्टेड ऑपरेशन वॉज अटेम्प्टेड। इन पेज के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो बनाए तो गए हैं लेकिन उस पर अभी वर्क नहीं हुआ, शायद फ्यूचर में उसमें कुछ वर्क वगैरह हो, जैसे कि फॉर्मेट के अंदर हमारे पास हाइफिनेशन, शॉर्ट टेक्स्ट, इसी तरह इंसर्ट में डेट एंड टाइम और इंडेक्स एंट्री,
ये चीज़ इसके अंदर काम नहीं करती। उसके बाद पिक्चर, पिक्चर लेने चाहें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो ये पिक्चर आप इस तरह इसके अंदर से ले सकते हैं। तो ये पिक्चर लेने का तरीका है हमारे पास। उसके बाद टेबल, टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। टेबल पे जाएंगे, कित नंबर ऑफ रॉस कितनी लेनी है, जितनी आप लेना चाहें, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की वेड्थ जितनी आप देना चाहते हैं। ओके, तो ये आपके पास टेबल आ जाएगा। तो ये तो एक ऐसा टेबल है, अगर आपने कोई टैक्स वगैरह लिखा तो इस तरह का टेबल है। अगर अगर आप चाहते हैं ठीक से टेबल आए, तो इसे मूव करेंगे और सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, तो न्यू पेज ले लेते हैं, इधर टेबल को इंसर्ट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, तो ये देखिए आपके पास टेबल आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने टेबल स्प्लिट करना है, तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ऊपर से मूव होना शुरू हो जाएगा। दोबारा स्प्लिट पे क्लिक करें, जैसे मैं इधर जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, स्प्लिट, देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या होना, मूव होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इंडेक्स एंट्री, तो ये देखिए फंक्शन भी काम नहीं करता। उसके बाद ऑब्जेक्ट लॉग, ये बेसिकली कि अगर आपके पास जितना भी टेक्स्ट लिखा है, आप अगर अपनी फाइल को लॉक करना चाहते हैं कि ये इसमें चेंजेस वगैरह ना हो, तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन भी आपके पास इधर काम नहीं करता। मैं इधर 1 2 3 लिख देता हूँ, ओके। तो फिर मैं से कुछ चेंजेस देखें, चेंजेस हो रही है, सेव भी कर सकते हैं हम, तो ये ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं करता। तो कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो इसके अंदर काम नहीं करते इन पेज के अंदर, तो फ्यूचर में शायद ये ऑप्शंस वगैरह काम करें। उसके बाद यूटिलिटी सिंबल्स, तो सिंबल्स इधर से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई सी भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये वाला सिंबल लेते हैं, फ्लैग करते हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप सिंबल ले सकते हैं, कोई सी भी अच्छे सिंबल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी इनके दरम्यान वगैरह लिख सकते हैं। तो ये है सिंबल इंसर्ट करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।